नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से मैं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंप्लिसिटी एंड फाइनेंस में। आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि रिकवरी वाला अगर आपके दोस्तों को, यारों को या परिवार के अन्य सदस्यों को या पड़ोसियों को कॉल करके परेशान कर रहा है और ये बता रहा है कि आपने उनका नंबर दिया है और उनसे पैसे लेने के लिए कहा है या ऐसी कोई सी भी बात, तो आपको क्या करना है, कैसे आपको इस तकलीफ से मुक्त होना है, ये सारी की सारी जानकारी आज मैं आपको अपने इस वीडियो में देने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की और इसे लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों, जब कभी भी आप कोई भी कर्ज लेते हैं, चाहे वो क्रेडिट कार्ड के रूप में हो या फिर पर्सनल लोन के रूप में, चाहे आपने कोई व्हीकल लोन ले रखा है या फिर आपने कोई बिजनेस लोन ले रखा है या फिर कोई एजुकेशन लोन हो, लोन किसी भी तरीके का हो, बहुत अधिक संभावना यह है कि अगर आप अपने लोन का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप उसका रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में रिकवरी वाले आपको परेशान करना शुरू कर देते हैं। और यह परेशानी केवल आपको परेशान करने से ही नहीं रुक जाती, यह परेशानी आपकी और भी बढ़ जाती है जब आपके लिए कॉल्स आपके दोस्तों के नंबर पर जाने लग जाते हैं और ये तीन तीन चार चार साल के बाद भी होता रहता है। आपके रिलेटिव्स को फोन कर सकते हैं, आपके दोस्तों को फोन कर सकते हैं और आप इन फोनों को आसानी से रोक भी नहीं सकते। रोकोगे कैसे? क्योंकि जो भी कॉलर होगा वो अनआइडेंटिफाइड होगा, यानी कि उसकी पहचान हो ही नहीं सकती। और अगर आप बैंक में जाकर बोलोगे कि भाई आपके कॉलर ने फोन किया था, तो वो यही बोलेंगे कि ये हमारा कोई भी ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है और आपके लिए बहुत अधिक मुश्किल हो जाएगा ये सिद्ध करना कि यह बंदा उसी बैंक या एनबीएफसी कंपनी का था। आप रिपोर्ट भी लिखा देते हैं तो भी बहुत मुश्किल होता है। अब आपको क्या लगता है, आप जैसे तो लाखों लोग हैं, अगर इन्वेस्टिगेशन भी शुरू होगी तो आपको लगता है कि हमारे यहां लोगों के पास, गवर्नमेंट के पास इतने अधिक रिसोर्सेस है कि एक एक बंदे के, एक एक इंसान के लिए, एक एक बोरोवर के लिए इन्वेस्टिगेशन शुरू की जा सके, यह सिर्फ पता लगाने के लिए कि वास्तव में यह कॉलर इस एनबीएफसी कंपनी का था या नहीं था। बड़ा ही पेचीदा मामला है और इसको सुलझाने का जो तरीका है उसके भी कई सारे आयाम है, यानी कि एक हथियार चलाकर आप इसे खत्म नहीं कर सकते। तो क्या क्या आप कर सकते हैं और आपको उसमें से बहुत सारी स्टेप्स लेने की जरूरत है, क्या क्या है उसको आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। दोस्तों, कभी भी अगर आप डिफॉल्ट करते हैं तो ऑब्वियसली आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आपके कंपनी वालों को, आपके पड़ोसियों को और कई बार अगर आप ग्रोसरी वगैरह खरीदते हैं तो इवन दुकानदारों को भी कॉल जाता है, ऑब्वियस है, प्रूवन है, देखा हुआ है। अब बात क्या है, आप इन्हें बंद कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इसे बंद करना आसान नहीं है। आप कोशिश कर सकते हैं, आप साइबर सेल में जा सकते हैं, वहाँ एक रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं कि भाई मैंने ऑथोराइज नहीं कर रखा है, मेरे फ़ोन को हैक कर लिया गया है और फोन को हैक कर अनऑथोराइज तरीके से मेरे रिश्तेदारों को, नातेदारों को परेशान किया जा रहा है, मेरे दोस्तों को, यारों को परेशान किया जा रहा है। आप ये सारी बातें वहाँ बोल सकते हैं, लेकिन आपने देखा है कि आरबीआई ने भी कुछ ऐसी गाइडलाइंस डाल रखी हैं, लेकिन क्या आरबीआई के गाइडलाइंस का वायोलेशन नहीं होता? आरबीआई ये कहता है कि चिल्ला कर कोई बात नहीं करेगा, डराएगा, धमकाएगा नहीं, तो क्या रिकवरी वाले आपको परेशान नहीं करते हैं? और उसको कितना रोकथाम कर पाए हैं? उसकी रोकथाम नहीं हो पा रही। तो अगर आप चाहें तो साइबर सेल में जा सकते हैं, वहाँ पर एक रिपोर्ट लिखा सकते हैं, वहां से आपको जो भी रिसीट मिलेगी आप चाहे तो उसे आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, बट इट डज नॉट नेसेसरली गारंटी नहीं मिलती है कि वो चीज बंद हो ही जाएगी। आपको करना क्या है, सबसे पहली बात, जब कभी भी आपको ये पता चल जाए कि लोन का डिफॉल्ट होने वाला है और अब लोगों के पास कॉल जाने शुरू हो गई, तो सबसे पहला काम आपको करना क्या है, आपको अपने व्हाट्सएप नंबर पर एक स्टेटस लगाना है और लगभग हर दिन ही लगाना है और यह कहना है कि मेरे भी आप, मेरे कुछ दोस्तों को, रिश्तेदारों को, जो भी मेरे कांटेक्ट में हैं, उनको एक मैसेज भेजा जा रहा है ये बताने के लिए कि मैंने उनसे कर्ज ले रखा है और मैंने आपका नंबर दिया है। मैं आपको अश्योर करना चाहता हूं कि ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया है। इस तरीके की अगर कोई भी कॉल आती है, इस तरीके का अगर कोई भी मैसेज आपके पास आता है, तो आप उसे इमीडिएटली ब्लॉक कर दीजिए, आप उसे बिल्कुल भी एंटरटेन मत कीजिए। इनके खिलाफ मैं एक्शन ऑलरेडी ले रहा हूं। ये स्टेटस जब आप लगाएंगे, कई दिनों तक जब ये स्टेटस चलेगा, तो आपके कांटेक्ट में कम से कम 90% 95%
लोगों की एक एक्सपेक्टेशन सेट हो जाएगी कि हाँ भाई कोई कोई कॉल आ सकता है, हाँ भाई कोई मैसेज आ सकता है, और ऐसी स्थिति में जब कभी भी वो होगा तो उसे इमिडिएटली ब्लॉक कर देंगे, ये उनके लिए सरप्राइज नहीं होने वाला है, और शायद वो आपको कॉल कर बोले भी नहीं कि भाई ऐसा हुआ था, क्योंकि आपने प्रोएक्टिवली उन लोगों को इन्फॉर्म कर दिया है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो अगर छोटा सा ही मैसेज आ जाएगा तो तुरंत ही कॉल करेंगे, भाई तुम्हारा फ़ोन आया था, मेरे पास मेरा नंबर क्यों दिया। लेकिन आपने प्रोएक्टिवली अगर उस स्टेटस को लगा रखा है तो ध्यान रखिए कि यहीं पर 90-95% एक रिडक्शन, और कुछ लोगों के तो 100% रिडक्शन हो गया है। जो भी मेरे कॉलर्स हैं, जो मुझे कॉल करते हैं, जो मुझे बताते हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, वो बताते हैं कि सर ये करने के बाद लोगों के पास मैसेजेज आ रहे हैं बट वो हमें कॉल नहीं कर रहे हैं। तो ये एक काफ़ी कारगर उपाय है जो आपकी बहुत अधिक सहायता कर सकता है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप साइबर सेल में जाकर एक रिपोर्ट लिखा सकते हैं, लेकिन इस रिकवरी को टेम्पोरली रुकवाने का एक तरीका और भी है, जिसे हम बोलते हैं सीज एंड डेजिस्ट नोटिस। सीज एंड डेजिस्ट नोटिस होता क्या बेसिकली? देखिए, आपका एक फंडामेंटल राइट है, आपका फंडामेंटल राइट ये है कि अगर आप किसी से नहीं मिलना चाहते तो नहीं मिलेंगे, अगर आप किसी से बात नहीं करना चाहते तो नहीं करेंगे। बैंक वाले, NBFC कंपनी वाले अगर आपको अप्रोच करते हैं और आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप उनसे न मिलें, न बात करें, और जो भी कम्युनिकेशन है वो सिर्फ राइटिंग में हो, लिखित में हो, तो आप एक नोटिस उनको भिजवा सकते हैं और बोल सकते हैं कि आई एम नॉट कम्फर्टेबल टॉकिंग टू यू ऑन कॉल, आई एम नॉट कम्फर्टेबल मीटिंग इन पर्सन, मैं आपसे बिल्कुल भी कम्फर्टेबल फील नहीं करता बात करने में या आमने सामने मिलने में, आप बहुत हैरेस करते हो, बहुत परेशान करते हो, बहुत टॉर्चर करते हो, इसलिए जो भी बातचीत आप करना चाहते हैं लिखित में कीजिए, आप सिर्फ और सिर्फ मुझे ईमेल करेंगे, मैं ईमेल में ही आपका जवाब दूंगा। ये बात आप अपनी सीज एंड डेजिस्ट नोटिस में लिखकर अपनी बैंक या अपनी NBFC कंपनी को भेज सकते हैं। इसमें भी 90-95% केसेस में हो सकता है कि एक रिडक्शन हो जाए और वो आपको कॉल करना बंद कर दे। ध्यान रखिए, ये सीज एंड डेजिस्ट नोटिस आप कैसे भेजेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इसका एक लिंक दे दूंगा, या फिर आप इस बारकोड को भी स्कैन कर सकते हैं अगर आपके मोबाइल फोन में स्कैनर लगा हुआ है तो। आपको करना क्या है, आपको इसका एक प्रिंटआउट लेना है, उसके बाद इसे रजिस्टर्ड पोस्ट से आप उस NBFC कंपनी या बैंक को भेज दीजिए जो आपको हैरेस कर रहे हैं। यहाँ भी 100% गारंटी बिल्कुल नहीं है, कोई झूठा आश्वासन नहीं देना चाहूँगा, लेकिन 90-95% केसेस में लगभग टेम्पररी तौर पर, परमानेंट नहीं है, वो आपको कॉल करना बंद कर देंगे, और जो भी होगा वो राइटिंग में ही करेंगे। राइटिंग में ये ज़्यादा करते नहीं है, ज़्यादातर ये कॉल करते हैं, तो मोटे मोटे तौर पर रिकवरी आपकी लगभग कॉल के थ्रू और पर्सनल जो विजिट्स होते हैं उसके थ्रू बंद हो जाएगी। ये काम आपको करना है। तो आपको जानकारी मिल गई होगी कि किस तरीके से अगर आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स अगर इन सबको ये परेशान करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। और जो लोग मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको बता दो किस तरह के वीडियोस मैं बनाता रहता हूं। तो आपको करना क्या है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल बटन पर क्लिक कर देना है, मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाएगी। और अगर आपके ऊपर कोई केस हो गया है या फिर आपको कोई नोटिस आया, कोई आर्बिट्रेशन का नोटिस आया है, सेक्शन 25 में आपके ऊपर केस हो गया, 138 में चेक बाउंस का केस हो गया है, आपके सिटी के बाहर केस हो गया, आपके सिटी में केस हो गया है, आपको बेल चाहिए, कोई वारंट इशू हो गया है, किसी भी तरीके से कोई डिमांड नोटिस आया है, किसी भी तरीके का कोई भी, अगर कोई भी ऐसा नोटिस आपके पास आया है, या फिर आपको समझना है कि मैं क्या करूं, मैं क्या नहीं करूं, आगे के लिए आप स्टेप्स जानना चाहते हैं कि किस तरीके से मैं इस डेट के जंजाल से निकलूं, तो हमेशा ध्यान रखिए अगर आप सही एडवाइस नहीं लेंगे तो आप उसमें और ज़्यादा ही गिरते जाएंगे, आपके खर्चे भी बढ़ते ही जाएंगे। उदाहरण के तौर पर मेरे पास मुंबई से एक कॉल आई और वो कह रहे कि सर मिनिमम क्रेडिट कार्ड का पेमेंट देता देता मैं थक गया, मैं पिछले 5 साल से दे रहा हूँ, अब दिया नहीं जा रहा है। भाई तुम 5 साल पहले अगर मुझसे संपर्क कर लेता तो ये 5 साल के पैसे बच जाते। बहुत सारी दोस्तों ऐसी चीज़ होती है जो आप अज्ञानतावश करते जाते हैं, आपको नॉलेज में भी नहीं होता, या तो डर की वजह से आप करते हैं या फिर आपको जानकारी नहीं होती है। तो सही समय पर, और सभी सही समय कब होता है, देयर इज नेवर अ रॉन्ग टाइम टू डू द राइट थिंग। अगर काम आप सही है ना तो सही समय कभी भी है। अगर आपको सही काम करना, अगर आपको जानना है कि आपको करना क्या है आगे के क्या स्टेप्स है, या किसी भी तरीके की लोन से संबंधित, सिर्फ लोन से संबंधित अगर आपको कोई भी सहायता चाहिए,
तो स्क्रीन के ऊपर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और जल्दी विल गेट कनेक्टेड ऑन द कॉल। आपको एक व्हाट्सएप मैसेज करना है, हाई लिखना है, और हाई लिखने के बाद आपको एक ऑटोमेटिक मैसेज मिलेगा। आपको उन स्टेप्स को फॉलो करने हैं। अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो तुरंत ही थोड़ी समय में विल गेट कनेक्टेड ऑन द कॉल एंड विल टॉक। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, आपसे जल्दी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई अपने दोस्त का कह दीजिए।